बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हमें अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ हमें अपनी बॉडी की हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने माउथ की हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज बताई हुई है पहले भी। तो फ्रेंड्स, जो आज की रेमेडी है, आज हम दांतों को चमकाएंगे लींबू से। जी फ्रेंड, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, जिससे हमारे पीले और काले दांत व्हाइट हो जाएंगे। अक्सर लोगों के दांत बहुत ज्यादा पीले होते हैं, हालांकि वो डेली ब्रश करते हैं, इसके बावजूद भी दांत पीले रहते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है लेमन जूस 1 चम्मच, इसके अंदर आप ऐड करेंगे मीठा सोडा 1/2 चम्मच। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से ये फूला है, इसी तरीके से हमारे दांतों के पीलेपन को और मेल्ट चेयर को ये साफ करेगा अपनी तेजी की वजह से। तो फ्रेंड, अब आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको ब्रश की मदद से, देखिए इस तरीके से आपने अपने ब्रश को इसके अंदर डिप करना है और इससे आपने दांत को ब्रश करना है। या फ्रेंड, आप उंगली के साथ भी करेंगे, इस तरह कर सकते हैं इजीली। और फ्रेंड, इसके साथ ब्रश करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए कुली नहीं करनी, आधा घंटा छोड़ेंगे, उसके बाद आप कुली करेंगे। और हफ्ते में कम अज कम फ्रेंड, आप इस अमल को 1 मरतबा जरूर कीजिएगा। 1 मरतबा के इस्तेमाल से ही आपके दांत फौरन से चमकना शुरू हो जाएंगे। जो दांतों की पिलाहट है, वो फौरन से व्हाइटनिंग में तब्दील हो जाएगी। फ्रेंड, बहुत ही आसान रेमेडी है, आपको समझ में आ गया होगा कि लेमन जूस और जो मीठा सोडा है, कितना तेज होता है, हमारे दांतों को किस तरीके से ये चमकाएगा और साफ करेगा। होप सो फ्रेंड्स, आपको रेमेडी पसंद आएगी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी तमाम रेमेडीज पसंद आती होंगी, मुझे जरूर कमेंट्स में बताया करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।